वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की हम लेके आए थे मम्मा के डॉक्टर के पास और ये जो एरिया है जमैका एंड एक चीज यहाँ की आप देख रहे हो कि वो ऊपर ट्रेन चलती है, पटरियां ऊपर बनाई है ट्रेन की। एंड तनवीन दो हफ्ते पहले यहाँ पे आई थी और उसको ये देख के ना ट्रेन ट्रैक देख के उसको याद आ गया कि ये वही जगह है। तो उसको ये भी याद आ गया कि लास्ट टाइम एक बर्ड ने बर्ड शिट की थी ऊपर से शीशे में, तो इसने कहा ओ बर्ड दी पट्टू, उसको ये भी याद है। ठीक और बिक्की का डब्बा इज बैक। आप बीच में रंग बिरंगी M&M's भी दिख रही हैं और ये रोशर्स भी हमारे लिए लेके आया है ना, पिघली हमारे लिए नहीं है। तो आई थिंक किसी ने मुझे पूछा था कमेंट्स में कि पिघली क्या, आ चौको चौको गई डिग्गू होगी। मुझे किसी ने पूछा था कि पिघली क्या है, मैं बिक्की को पिघली क्यों कहती हूँ। द रीजन इज क्योंकि बिक्की जब छोटा होता था उसको पिग्स बहुत पसंद थे, तो उसके मम्मा मैंने कुछ वीडियोस देखी उसकी चाइल्डहुड की जो मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। उसके मम्मा उसको बोलते हैं कि पिग कितना करता है, पिग कैसे करता है, तो बिक्की ऐसे करता है। तो उसके बाद का मैं उसको ऐसे ही पिगली, प्यार से पिगली बुलाती हूँ। तो रितु ने मुझे ये फोन पकड़ा दिया और बोल रही है कि बोलो अगर कुछ मन कर रहे हैं तो। बिल्कुल बोलना चाहिए, उधर देखना, हमेशा भूल जाती हूँ। मैं उधर देखा मैं पता मैं कितना औखा होके देखने उधर उधर पता क्या होता है कि एक कटआउट होता है छोटा और एक होती है अपनी फोटो। मेरी एक तो आंख इधर, मेरी एक आंख मेरी इधर देख रही है, एक इधर देख रही है। मैं अब मैंने बना लिया रूल, मैं उधर ही देखूंगी। अच्छा मैं बिक्की को बोल रही हूँ कि बिक्की को इन्वॉल्व होना चाहिए ना ज्यादा ब्लॉगिंग में। तो वैसे अगर बिक्की चाहे ना तो आपको बहुत कुछ दिखा सकता है, मतलब बिक्की क्योंकि जैसे काफी अवारा है। अवारा कुत्ता गली का, इसके गले में गोप्रो लगा दो मेरे माथे पे, मैं जिधर जाऊं देखो कुछ नहीं। मैं जिम जाता हूँ घर आता हूँ और कुछ नहीं करता है जो काम पे। वही करनी पड़ेगी, मैं तो ऐसे घर पे होता। अगर काम पे मैं दिखाने लगू तो पापा ने कहना भाज जा कर तू। सही कहा। यार हमारे पास ना ऐसे होता है कि हमारे पास ना बातें बहुत होती हैं तभी, लेकिन कैमरा ऑन नहीं होता। बातें मेरे पास इतनी है लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग बोलने लग पड़े कि ज्ञान बांटने आगे, यू नो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं ज्ञान की अकेली नहीं, कई बार इतने पंच होते हैं ना हमारे लाइक फनी वाले। नहीं हाँ नहीं डर की बट हम फिर तभी जैसे ऐसा चाहिए वैसे कुछ कि एक जगह कैमरा सेट हो और पूरा दिन हम ऐसे रिकॉर्ड करें तो बहुत फनी व्लॉग बनेगा पक्का। सही बात है, क्योंकि हमारे घर में एक भी बंदा सीरियस नहीं रहता। रितु इतने ऐसे काम करती है जिसपे इसको खुद ही हंसी आ जाती है कि वो शिट मैंने ये क्या कर दिया। मैंने इसको बोला है गोप्रो ले अपने माथे पर का कुछ नहीं करना, तो उन्होंने अपनी पर जिंदगी जीनी जैसे तो जी रही। वो खुद ब खुद इतने बढ़िया चैनल चलेगा ना कि लोग देखेंगे वाह ऐसा भी करती है। बिग बॉस से ज्यादा बढ़िया इसकी लाइफ की है तो कम करनी है नहीं। समझ नहीं। टाइम पास करने ली कितना मन लगा। जैसे मैं कोई गाना गाऊंगी उसके बीच में सपोज करो दिल वर्ड हुआ, तो आपको कोई ऐसा गाना है जिसमें दिल वर्ड है? दिल बर है गाना तो गाना दो। अच्छा सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। कोई वर्ड है ना जो? हाँ तुत्तु तू तुत्तु तारा तुत्तु केड़ा वर्ड है? सांस मिली तो तू। ओ नहीं वर्ड और तो प्रेपोजिशन थोड़ी लानी बेचे। अच्छा अच्छा आई रे खुशी। इतने में से कैसे गाऊंगी मैं, क्या वर्ड निकालूं? ऐसे ऐसे कुर्ती घटाए है काजल मेरा,
जिन में गाना गाया गाना है आही है आही ग्रोसरी लेने लाइक नॉट अ रेगुलर ग्रोसरी कॉस्को जा रहे हैं. आपने सुना होगा कॉस्को का नाम, हम पहले भी एक बार ब्लॉग में गए थे. मेट्रो होलसेल. हाँ तो हम ऐसा करते वी ट्राई कि हम जैसे बल्क में ले आए चीजें सो दैट वी डोंट हैव टू रन टू द ग्रोसरी स्टोर एवरी टाइम. और तनवीन और दादी पीछे हैं. हाय बोल दीजिए. हाय कर दे सारे नु. पाई भी कर दे. कॉस्को का नाम सुनते ही ना मुझे भूख लग जाती है. कॉस्को में पिज्जा बहुत अच्छा मिलता है. इट्स नॉट जस्ट नोन फॉर ग्रोसरी बट द पिज्जा इज द बेस्ट. और तनवीन का डांस अभी भी चालू है. तनवीन पाई कर दे. पाई कर दे पापा. आज एक करिश्मा हो गया. तनवीन मास्क डाल लिया. लुक एट दिस लाइन. हमारा ये वाला नंबर है. और जो मैं एक दिन बात करी थी लीव्स के बारे में, देखो कितने अच्छे रेड लीव्स हो रहे हैं. सो वो फॉल वाले कलर्स वो आ रहे हैं थोड़े थोड़े. तो अभी तक क्रिसमस को 2 महीने बाकी हैं और क्रिसमस ट्रीज ऑलरेडी आ चुके हैं. डेकोरेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं. वाह. थोड़ी सी तनवीन की शॉपिंग भी ज़रूरी है. तनवीन को भी कुछ लेके देती हूँ. ये तो घर भी हैगा तनवीन. नीनी कर ली. नीनी टोटली एक्टिंग. निकली ये क्या चीज है. आ मेरे गाना और लीचियां लीचियां असी
ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੇਲੀਆਂ 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 ਉਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਓਏ ਵਾਹ ਨਾਨਕ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਾਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕ ਫੂਡਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਆਰ ਡੈਨਿਮ ਸਿਸਟਰਸ ਜੀ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਡਾਂਸ ਡਾਂਸ ਪਾਈ ਕਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਈ ਕਰ ਦੇ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੋ ਹਮ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮਸਤੀ ਇੱਧਰ Are you ready? एक स्लाइस हमने निकाल दिया है पीछे पीछे चला गया मम्मा के पास और ये भी जल्दी अंदर डगा जाना सो वी आर बैक होम और मैं जिस बाहर निकली हूँ आवाज तो आपको आ ही रही होगी हवा की लेकिन लुक एट द वेदर पता नहीं ये वेदर मुझे इतना क्यों पसंद है और देखिए कैन यू सी द क्लाउड्स लगता बारिश होने वाली है और हु डजंट लव दिस मूवी इस फैमिली की तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट है ये मूवी जितनी बार टीवी पे आ रही होती है आप ये मूवी देखते हो ना और क्या खा रहे हो हमने खाया पिज्जा और बिक्की ने आके अपनी डाइट खाई चुचू चुचू एंड फाइनली इट इज रेनिंग हो गया क्योंकि बारिश हुई है और ऐसी छोटी छोटी चीजों में आजकल हमें खुशी ढूंढनी चाहिए क्योंकि आजकल ये जो साल है 2020 इसमें मैं कुछ अच्छा नहीं सुन रही मैं इंडिया फ़ोन करती हूँ तो एक दो डेथ सुन लेती हूँ किसी की और बाकी कोरोना की वजह से और जो भी है ये साल हैज़ बिन द मोस्ट इट हैज़ बिन द सैडेस्ट इन द सेंस कि इतने लोग मर रहे हैं हर जगह एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना फॉर एनी अदर रीजंस मतलब इट्स बिन वेरी शॉकिंग तो आई थिंक वी शुड जस्ट फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स जैसे बाहर बारिश हो रही है अभी हम चाय या कॉफी पियेंगे बैठ के तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में है ना बिगली दिस ईयर वैसे भी लाइफ इन जनरल इतनी अच्छी नहीं होती लाइक ऑल द टाइम यू कैन नॉट बी हैप्पी बट लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स यार अगर आप घर पे रह रहे हो खा रहे हो पहन रहे हो कपड़ा सब कुछ सोफे पे बैठा हूँ अगर अब भी मैं सेटिस्फाई नहीं तो मैं कभी नहीं हो सकता और मुझे लगता है हम लोग ना हैप्पीनेस को डिले करते रहते हैं अगर हम खुश हैं बहुत तो हम कहते हैं यार मैं इतना खुश क्यों हूँ या मैं इतनी खुश क्यों हूँ कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई खराबी हो रही होगी मैं इतनी खुश हो नहीं सकती तो आई यूज टू थिंक लाइक दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस यू नो वी डिले हैप्पीनेस शुरू हो गया है बिग बॉस ये शो हमें बहुत एंटरटेनिंग लगता है और हमारी कॉफी टाइम कुरकुरे ग्रीन वाले मैं मम्मा नु भी लगाते मम्मा आपको भी पसंद है ना अब ये यस ये अगर आपको नहीं मालूम तो ये होते हैं देसी तरीके ये मम्मा ने काटी की कहते हैं लौकी मम्मा ने काटी थी लौकी और लौकी का डुंडल होता है ना डुंडल टॉप मुझे भी नहीं वैसे पता डूंडल बोलते हैं मैंने आपने पता मापी गया था अच्छा तो इसको अगर आप पैरों के नीचे ऐसे करोगे तो आपके शरीर की गर्मी बाहर निकलती है आपको ठंडक पहुंचती है इससे सो मैं बहुत गर्म बंदा हूँ मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आ जाता है मैंने 5-6 बंदे आज मारे पीट दिए मतलब तो मुझे थोड़ा ठंडा कर रही है अभी ये कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है दासी अभी कर हसन मेरी भी करनी है बात एदे नाल नहीं नॉट उधर रंग ही बदल गया बेचारे दा तनवीन कौन है टीवी ते कौन है तनवीन पापा पापा
हल्क कौन है? हल्क पापा हल्क ये उन मम्मा दी टर्न ले उन मम्मा दे मम्मा दे गुड गर्ल दादी ने नहीं देना नो कहीं और दो उधर बाय मम्मा बच मैं नहीं लाना हूँ बच नहीं बच बच एप्पल